सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले एक फूड बैनर बनाना, जो कि हम बनाएंगे एक रेस्टोरेंट के लिए, जो यूज होगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं सिंपली यहां पे न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूं 1080 पिक्सल्स का। आप यहां पे साइज मैन्युअली ले सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपका साइज होगा। रिजोल्यूशन में रख रहा हूँ 120 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैंने RGB मोड सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑल ओवर ये जो बैनर है ये प्रिंट होने वाला नहीं है। आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से CMYK पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने RGB लिया है क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ बर्गर्स के इमेज और कुछ एसेट्स मैंने यहाँ पे PNG ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। आखिर में मैं ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सिंपली जो बर्गर का इमेज था हमारा, वो मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आता हूँ, और मैं यहाँ से इसका फाइल साइज़ जो है छोटा कर देता हूँ, अराउंड इतना। और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है जिसमें कलर कोड्स भी मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट करूँगा। सिंपली यहाँ पे इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक न्यू लेयर लेके अपना जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस बर्गर की इमेज को डिसेबल कर देता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड के अंदर मैं इफ़ेक्ट ऐड करूँगा, जो कि अगेन मैंने डाउनलोड किए थे PNG इमेजेस या इमेजेस JPG जो भी है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे ले आया हूँ, और मैं इसका मोड चेंज करके यहाँ पे सॉफ्ट लाइट रख देता हूँ। आप प्ले कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आप मोड रखना चाहेंगे यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली सॉफ्ट लाइट लिया है, और अगेन मैं इसके ऊपर और एक इमेज मैंने ब्रिक्स डाउनलोड किया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। सिंपली मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूंगा इतना, और डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब ये दिखने में ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसका ब्लेंडिंग मोड अगेन मैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट रख दूंगा, और इसके ऊपर एक मास्क ऐड करूंगा। यहाँ पे मुझे ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा निकाल देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक ब्रश सिलेक्ट करूंगा, और ध्यान रहे कि आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रहे, यहाँ पे ब्रश कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा ब्लेंड हो चुका है। मैं इन तीनों को सिंपली यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा Ctrl+G प्रेस करके, और इसको नाम दूंगा मैं BG। ये हमारा बैकग्राउंड एक फाइनल हो चुका है यहाँ पे। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा। लॉक होने से ये हो जाएगा कि इसकी जो चीज़ें है, इसके जो अंदर की जो हमने जो इफेक्ट डाला है वो अभी के लिए लॉक हो जाएगा। एक चीज़ इसमें रहेगी, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा डार्क करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लेवल्स अप्लाई करूँगा। ओके, तो ये भी मैंने एक कर दिया है, और अभी के लिए मैं इसको टोटली लॉक कर देता हूँ बैकग्राउंड को। और यहाँ से मैं बर्गर का इमेज अपना जो है उसको अनलॉक करता हूँ, शो करूँगा। अब बर्गर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रखा हुआ है, मुझे ये थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे एक शैडो क्रिएट करूँगा। अगेन मैं ब्रश टूल लूँगा, यहाँ पे उसका साइज़ थोड़ा सा इतना रखूँगा। आप आपके हिसाब से एक सिंपल सा शैडो आपको ऐड करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लिया, और मैं इसके ऊपर एक जस्ट दो बार टैप करूँगा, और Ctrl+T प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इसको, और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका साइज़ थोड़ा सा ऐसे इस हिसाब से कर दूंगा, और इसको स्ट्रेच कर देंगे थोड़ा सा। आप आपके हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे भी आपको शैडो बनाना है। शैडो बनाना एकदम आसान है। ये रहा शैडो, दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके बर्गर की इमेज के नीचे लेकर आऊँगा। साइज़ में थोड़ा सा इसका अगेन एडजस्ट कर दूंगा, ताकि दिखने में और भी नेचुरल लगे। अब भी ये थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा है, तो मैं सिंपली इसको इसके ऊपर ड्रैग करूंगा, एंड यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, या तो फिर आप यहाँ पे जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कर दूंगा, और थोड़ी सी ओपेसिटी मैं इसकी डाउन कर दूंगा, तो ये दिखने में थोड़ा सा और भी रियलिस्टिक लगे। ओपेसिटी आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी ये तो हो गया हमारा बर्गर रेडी। सिंपली मैं इन तीनों लेयर्स को क्लिक करके यहाँ पे इनको Ctrl+G प्रेस करके अगेन मैं इसको ग्रुप करके नाम दे दूंगा बर्गर, ताकि ये मुझे
बाद में आसानी हो जाए। इस बर्गर की इमेज के मैं एक कॉपी बना लूँगा यहाँ पे और इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है, बैकग्राउंड में मैंने इसको लिया और इसका साइज़ में थोड़ा सा कम कर दूँगा, अराउंड इतना मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे रख दूँगा। और सिंपली मैं इसको गोशन ब्लर का इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा। आप आपके हिसाब से ब्लर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इतना इसको रख दिया है। अगेन मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूँगा alt प्रेस करके और इसको सिंपली इस साइड में ड्रॉ करके ले आऊँगा और थोड़ा सा इसका साइज में इंक्रीज कर दूंगा ताकि इससे थोड़ा सा डिफरेंट लग जाए वो। ओके, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके अगेन ग्रुप कर दूंगा और इसको नाम दे दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है एक टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेकर रखा है हॉट एंड फ्रेश को, मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। फॉन्ट का कलर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेकर रखा हुआ है, आपके हिसाब से आप फॉन्ट कॉम्बिनेशंस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हॉट एंड फ्रेश। अब ये दिखने में थोड़ा सा सिंपल लग रहा है तो इसका फॉन्ट मैं चेंज कर दूंगा। ये ब्रश क्रिफ्ट एम्प्टी फॉन्ट है, ये आई थिंक आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आई थिंक सिस्टम का ही फॉन्ट है, मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया था अलग से। अगर नहीं आ रहा है आपके सिस्टम में तो आप प्लीज़ दूसरा फॉन्ट कोई भी अल्टरनेटिव इसका इसके जैसा फॉन्ट या इससे अलग जो आपको लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे बर्गर का, मैं अगेन यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर मैं ये पेस्ट कर दूँगा। इसका फॉन्ट मैं रखूँगा कैंपस पर्सनल यूज़, ये मैंने एक डाउनलोड किया था फ्री वेबसाइट से, तो आई थिंक ये फ्री फॉन्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बर्गर की इमेज को तीनों को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और थोड़ा सा इसको डाउन सेट रखूंगा यहाँ पे। जब तक आपको ये परफेक्ट नहीं लग रहा है तब तक आप एडजस्ट करते रहिए, नो प्रॉब्लम। जब तक आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब तक ये बैनर रेडी नहीं होगा। बर्गर का मैंने फॉन्ट जो लिया है, अगेन मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक इसका, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको इस फॉन्ट को इस हेडिंग को मैं इस बर्गर की इमेज के बैकग्राउंड में लेकर आऊँगा और कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे स्क्यू कर दूंगा ताकि ये इफेक्ट दिखने में और भी कूल दिखे। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एक फूड बैनर क्रिएट हो रहा है और इसमें कुछ इफेक्ट्स हमको डालने हैं, अभी और कुछ बाकी है। सिंपली इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रोटेट कर दूंगा। इस कॉर्नर को मैं फिलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे हमारा लोगो भी आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट हमारा बाकी है यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया था तो सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर ऐड करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ फॉन्ट को। इसका फॉन्ट अगेन मैं कलर इसका वही रखूँगा जो अपना प्रीवियस कलर हमने लिया था फॉन्ट के लिए, और फॉन्ट सिंपली मैं यहाँ पे रखूँगा गौथम में मैं यहाँ पे लूँगा मीडियम बोल्ड इटैलिक, अलाइनमेंट इसका चेंज कर दूंगा। कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे मैं इसका लाइन हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। जब भी आप कैप्स लॉक में फॉन्ट लिखते हो तो आप ध्यान देना कि इसका लाइन हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फॉन्ट दिखने में अच्छा लिखता है। ठीक है जी, एक काम और आप कर सकते हैं कि इसके जो मार्जिन से आप सेट कर सकते हैं। मेरा सिंपली तरीका यही है, मैं ऐसे ही अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स में मार्जिन सेट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं गाइडलाइंस अप्लाई कर देता हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, मुझे पता नहीं कि और डिज़ाइनर्स कैसे करते हैं। ये मेरा मार्जिन कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ पे मैंने, ये प्रिंटिंग में और काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, बहुत अच्छा तरीका है, मार्जिन यूज किया करो। सिंपली मैं यहाँ से एक बटन बना लूंगा यहाँ पे एक उसी लाइन में और इसका कलर मैं व्हाइट रख दूंगा। कलर मैं फिलहाल के लिए इसी बैकग्राउंड से क्लिक कर रहा हूँ,
आप सिंपली यहाँ से ब्रश टूल जो कलर पैलेट है वहाँ से लेके पिक टूल से आप कलर पिक कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए कर रहा हूँ ये। आप जो भी आपके फिक्स कलर है वो कलर कोड है, एक्स कोड आप ऐड करके वहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा बटन भी रेडी है और एक टेक्स्ट यहाँ पे हमारा बाकी है जो कि है होम डिलीवरी का। तो यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखूँगा मैं। अगेन मैं इसका कलर थोड़ा सा येलोइश जो हमने लिया था टेक्स्ट के लिए, कंट्रोल टी प्रेस करके इस कॉर्नर को कंट्रोल दबा के मैं थोड़ा सा मोड़ लूँगा आगे। और इस ऑर्डर नाउ वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, इसके ऊपर लेकर जाऊंगा और यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है होम डिलीवरी वाला उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो इसकी विड्थ और भी बढ़ा सकते हो आपके हिसाब से, जो भी आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐड करना है आपको जो भी है। तो ये रहा हमारा बैनर, थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहा है। सिंपली आपको यहाँ से एक ब्रश लेना है और अगेन एक ब्रश ड्रॉ करना है जो कि डेंजर स्ट्रोक नाम से ये ब्रश आता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका। सिंपली मैंने यहाँ पे ब्रश जो है इसको एक 5-6 बार मैंने क्लिक करके ये वाला ब्रश इफेक्ट मैंने तैयार कर लिया है। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा अपने हिसाब से अभी। ये फूड वगैरह के जो बैनर होते हैं इसके अंदर ये इफेक्ट्स काफ़ी कूल दिखते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इस ब्रश वाले लेयर को मैं इस वाले लेयर के नीचे लेकर चलूँगा और इसको मैं डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके कलर इसका मैं वाइट रख दूँगा। और अगेन मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेप ड्रॉ करूँगा ताकि ये एरिया हाईलाइट हो जाए। और सिंपली यहाँ से मैं कलर पिक करूँगा ये वाला जो हमने बैकग्राउंड में यूज़ किया है उसको, या आप प्ले कर सकते हैं आपके हिसाब से जो भी कलर से। और ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपी करके ऐड कर दूँगा। इसका लाइन हाइट मैं कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। जब भी आप छोटे फॉन्ट जो स्मॉल फॉन्ट होते हैं वो लिखते हो तो आप थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया करें। एक छोटे छोटे टिप्स है जो डिज़ाइनिंग में आपको काफ़ी काम को आएंगे। फॉन्ट मैं यहाँ पे एक सिंपल रखना चाहूँगा इसलिए मीडियम फॉन्ट ले रहा हूँ। ये वाला बैनर हमारा थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहा है, अभी कुछ इफेक्ट डालना हमको बाकी है। मैंने कुछ लेयर्स लिया हुआ था यहाँ पे ऑलरेडी, तो उन तीनों को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके लेकर आ रहा हूँ। इन तीनों को मैं टॉप में लेके जाऊँगा सबसे और सिंपली इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा। मैं ये फाइल आपको देने वाला हूँ तो इसको मैं सिंपली ग्रुप कर लेता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ लीव्स और इसका मैं एक कॉपी बना के ले देता हूँ। इसको मैं हाइड कर दूंगा और इस कॉपी को मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और सिंपली यहाँ से फिल्टर ऑप्शन में जाके मैं अगेन इसको इन सबको ब्लर कर दूंगा ताकि हमारा जो बर्गर है वो एग्जैक्टली जो फोकस में आ जाए। और बस आपको एक चीज़ ऐड करना बाकी है, यहाँ पे सिंपली आपका लोगो ऐड कर दो। यहाँ पे टेम्परेली मैं मेरा ही लोगो ऐड कर रहा हूँ। ओके जी, तो ये हमारा बैनर रेडी है। आप प्ले अराउंड कर सकते हैं कि आपके कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, आपको फॉन्ट क्या चाहिए, आपके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं आपके हिसाब से। और प्लीज़ मुझे अगर आप कुछ बनाते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेने के लिए कराने वाला हूं और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मैं काफ़ी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।